नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम कब होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म जो है आपका 17/9/2024 से 16/10/2024 तक भरा जाएगा। 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है उसको अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो होगी वो 16/10 होगी, वो भी रात 12 बजे तक। इसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2024 को लगेगा। इतनी बात आप सभी के क्लियर हो गई होगी। अब इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है और भैया क्या है कि एलिजिबल होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आपका क्या क्या फीस लगेगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी चर्चा भी इस पर करूँगा। तो अगर हम लोग फीस की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 1-5 का अगर आप एक पेपर देते हैं तो 1,000 रुपये, अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो 1,200 रुपये। यानी कि अगर आप एक पेपर दोगे, चाहे वो 6-8 का दो, अगर एक दोगे तो आपका 1,000 रुपये पड़ेगा, और अगर दोनों पेपर दोगे तो आपके 1,200 रुपये पड़ेंगे। SC ST और डिफरेंट एबल पर्सन जो हैं वो 500 और 600 रुपए जो है उनकी फीस रहने वाली है इसमें। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जैसा कि दोस्तों अपने इस चैनल पर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हैं DED स्पेशल एजुकेशन के। अब आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। आप DED स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो, यानी कि पेपर 1 जो है उसको आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेपर 2, यानी कि पेपर 2 का मतलब आपका 6-8, और पेपर 1 का मतलब आपका 1-5। 1-5 की जो आपकी टाइमिंग रहेगी, 1-5 की जो आपकी टाइमिंग रहेगी, शाम को 2:30 से शाम को 5 बजे तक, और 6-8 की जो टाइमिंग रहेगी 9:30 से 12 बजे तक रहेगी। एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर 2024, ठीक है। ये जो आप फॉर्म है seated.nic.in पर जा कर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। seated.nic.in पर जा कर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है, पास होने के लिए, हाँ ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पास होने के लिए आपके 150 नंबर में से अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी तो आपके पास 90 नंबर, और अगर हम बात करें OBC, SC, ST तो आपके पास में 82 नंबर, ठीक है। इतना आपके पास होना चाहिए 150 में से, तब आप हो जाओगे पास। बाकी की जो ये आपके सामने PDF दी गई है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन होगा, मैथ का, एनवायरनमेंट साइंस, Language 1, Language 2, ये सारी चीज़ें जो हैं 30-30 MCQs में 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज रहेगी, चाहे आप संस्कृत ले सकते हैं, चाहे आप देखिए, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन रहेंगे, सभी के रहेंगे ये 3 सब्जेक्ट। यहाँ पर आप चाहे हिंदी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप संस्कृत ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर आप इंग्लिश ले सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आप
उठा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद में जो भी इसका सिलेबस है वो भी आपको अगर देखा जाए तो वो मैं आपको डाउनलोड करके, और डाउनलोड क्या करके ये देख लीजिए दिया ही गया है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी लेवल में ये सारे सिलेबस जो आपके हैं दिए गए, बेसिक इन्फो जो आपकी है वो दी गई है कि कहाँ कहाँ से आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल का रहेगा क्या रहेगा, लैंग्वेज वन में क्या क्या रहेगा, ऐसे ये चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस भी इसी पीडीएफ में दिया गया है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वह उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।